सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम बात अपने देश की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं, वो केवल आंकड़ों का एक विश्लेषण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पर। एनसीआरबी समय समय पर अपनी रिपोर्ट जाहिर करता रहता है, बताता रहता है, सौंपता रहता है, और वो रिपोर्ट जनता के सामने आती रहती है और साल दर साल ये सिलसिला चलता रहता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी देश में जो अपराध हैं उनका विश्लेषण करना, कहाँ गिरावट हो रही, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ तेजी आ रही है, कहाँ पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है और कहाँ हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बेहतर कल की जो एक कल्पना करना तभी संभव है जब हमारा समाज अपराध मुक्त हो सकेगा, क्योंकि बिना अपराध मुक्त किए हुए हम बेहतर कल की जो संकल्पना है उसको सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर अगर हम किन्हीं अपराधों में कमी लाने का प्रयास करते रहेंगे और जब वो गिरावट महज 11%, 6%, 22% तक सीमित ना होके और जब वो गिरावट 30%, 40%, 50%, 60% तक जाएगी, तभी हम मान सकते हैं कि हम बेहतर देश का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। जो एक हम मनोधारणा बनाते हैं हमेशा से कि भारत आने वाले समय में विश्वगुरु बनेगा, तो विश्वगुरु बनने की जो एक व्यवस्था है, जो एक उसका आधार है, वो इन आंकड़ों में जब गिरावट होगी, एक ऐसी गिरावट जो कि किसी के समझ से परे होगी, ऐसी गिरावट जो रिकॉर्ड होगी, ऐसी गिरावट जिससे एक स्वच्छ समाज की स्थापना हो सकेगी। तो यहाँ पर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है बड़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देश की राजधानी में जहाँ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, देश की औद्योगिक राजधानी यानी महाराष्ट्र की मुंबई में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, तो देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी के साथ यहाँ पर जो आंकड़े हैं उनमें कमी आई है। बेहतर प्रबंधन और बेहतर शासन और बेहतर व्यवस्था के चलते यहाँ योगी सरकार का जो पिछला कार्यकाल रहा वो भी बेहतर प्रबंधन के रूप में रहा और दूसरा कार्यकाल उससे भी ज़्यादा सशक्त और उससे ज़्यादा सक्रिय, और जिसका परिणाम ये है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बोला गया है। दंगा मुक्त इसलिए क्योंकि 2019 में यहाँ पर कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, 2020 में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा हुई छुटपुट घटना के रूप में, और 2022 यानी सितंबर आने वाला है, अब तक कोई सांप्रदायिक हिंसा यहाँ नहीं हुई और लगातार सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, जो स्पष्ट बताता है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। हालांकि विपक्ष के आरोप अलग है, विपक्ष का आरोप है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो मैनिपुलेटेड होती है, वो प्रभावित होती है, पर एनसीआरबी की रिपोर्ट केवल यहाँ पर मोदी सरकार में नहीं आ रही है और ना उत्तर प्रदेश सरकार में आ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यहाँ पर साल दर साल हमेशा आती, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, और एनसीआरबी लगातार आंकड़े जारी करता है निष्पक्ष रूप से। तो यहाँ पर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर प्रश्न उठाना गलत होगा, क्योंकि एनसीआरबी केवल किसी सरकार को विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। यहाँ पर हर सरकार में, सरकार किसी की भी हो, साल दर साल आंकड़े आते रहते हैं और साल दर साल आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि हमारे देश में अपराध की स्थिति कैसी है। अगर हम अपराध की बात करें तो रेप के मामले में सबसे पहले जो व्यवस्था है वो है देश की राजधानी दिल्ली, रेप के मामले में सबसे आगे। उसके बाद दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई, दूसरा नंबर रेप के मामले में। सरकार वहां भी है, सरकार वहां भी काम कर रही है, प्रशासन वहां भी है, पुलिस वहां भी है, फिर ये लगातार आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, रेप की घटना क्यों बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें महिला अपराधों की, तो महिला अपराधों में लगभग 6.6% की कमी आई है, लगभग 6.5% की। और अगर बाल अपराधों की बात करें तो उनमें लगभग 11.25% की कमी आई, यानी जो बाल अपराध के आंकड़े 18,000 19,000 के लगभग थे, वो अब आंकड़े पिछले साल की तुलना में
वो लगभग 12,000 पे आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर महिला संबंधी अपराधों की, तो जो आंकड़े यहां पर पहले लगभग 60,000 थे, वो आंकड़े अब 56,000 पर आ गए हैं, जो स्पष्ट बताता है कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है। पर क्या हम ये मान सकते हैं कि मात्र 6.5% और 11% की जो गिरावट है वो हमारी संतोषजनक है? मैं मानता हूं सामाजिक सौहार्द में और दंगा मुक्त प्रदेश कहलाने में उत्तर प्रदेश की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, पर केवल महिलाओं संबंधी अपराध में 6.5% की कमी होना, ये मामला संतोषजनक नहीं। इसको उपलब्धि तो मान सकते हैं, पर उपलब्धि का स्तर वो स्तर नहीं है जिसकी उम्मीद आम जनता योगी सरकार से करती है, क्योंकि योगी सरकार यहां पर 37 साल बाद पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा सत्ता में आई है और दूसरा कार्यकाल पहले से ज्यादा सक्रिय माना जा रहा है, जैसा कि देख रहा है। तो यहां पर जो परिकल्पना है, जो चर्चा का विषय, वो यही भी है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आती है वो स्पष्ट आती है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश इस बार मिसाल बन के आया है। अगर हम साइबर अपराधों की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो साइबर अपराधों में 22% की गिरावट आई है, यानी जो मामले पहले 12,000 के लगभग हुए थे वो मामले अब केवल 8,000 के लगभग हैं, यानी कि साइबर अपराध में हमारे बहुत कुछ हद तक अंकुश लगाया है। पर क्या मैं ये नहीं सोच सकता हूँ, क्या जनता ये नहीं चाहती है कि जो साइबर अपराध में 22% की कमी आई है वो महिला अपराधों में आए, वो बाल अपराधों में भी आए? आनी चाहिए। और जब 22% 30% 40% हम गिरावट महसूस कर लेंगे और गिरावट हो जाएगी एनसीआरबी के आंकड़ों में, तभी हम मान सकेंगे कि हाँ, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर है। क्योंकि यहां पर बात हम अपने देश की कर रहे हैं, इसलिए यहां पर संपूर्ण मामला देश का है। और अगर देश के मामलों की बात करें तो देश में पिछले साल जो मामले महसूस किए गए वो मामले ये थे कि देश में 378 हिंसा के मामले थे, सांप्रदायिक हिंसा, और उत्तर प्रदेश में केवल एक, यानी देश का सबसे आबादी वाला राज्य और हिंसा केवल और केवल सांप्रदायिक हिंसा का मामला एक। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी के बावजूद लगातार हम लोग बेहतर प्रयास करते नजर आ रहे हैं, तो इनसे और जो गवर्नमेंट है, इनसे और सरकारें हैं, वो क्यों शीघ्र नहीं चाहती? क्यों मुंबई में सरकार बेहतर काम करना नहीं चाहती? क्यों मुंबई में इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई जाती कि अपराधियों के बीच भय हो, जैसा कि योगी सरकार में किया गया है? और यहां तक कि अभी आपने देखा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया था कि हाँ, मैं तो योगी मॉडल चाहता हूं, मैं खुद योगी मॉडल अपनाना चाहता हूं। तो योगी मॉडल क्या? योगी मॉडल यानी अगर माफिया है तो उस पर कार्रवाई, अगर माफिया की संपत्ति है उसको कुर किया जाएगा, अवैध निर्माण है तो उसको बुलडोजर से गिराया जाएगा। और यही कार्रवाई करते करते अब बुलडोजर का जो चिन्ह है वो बाबा के नाम से मशहूर हो गया है। और कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि जब जाते हैं जिस भी सभा को करने, वहां पर मुख्यमंत्री के आदर में वहां पर बुलडोजर भी रखा जाता है, और बताया जाता है कि हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर की कार्रवाई को लगातार करते चले जा रहे हैं, और ये कार्रवाई को देश की जनता, प्रदेश की जनता पसंद भी करते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक सीधी सी कहावत है और पुराना एक कहा जाता है, जब तक दंड पीठ नहीं होती, यानी जब तक दंड आप नहीं देंगे, जब तक आप दंड संहिता को बेहतर नहीं कहेंगे, जब तक आप तुरंत निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आप तुरंत न्याय नहीं करेंगे, तब तक इन अपराधों में कमी होना जो हम उम्मीद मानते हैं वो अभी तक केवल एक यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है। ये हमारे सामने अब भी एक मेघ मरीचिका ही है, इसलिए क्योंकि हमको दिखता है कि हाँ, वहां पर कम हो रहा है, पर जब उन आंकड़ों में बात करते, जब हमारे सामने एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, तो हम देखते हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़े तो हैं, कहीं ना कहीं बेहतर तो कल की तरफ जा रहे हैं, पर वो आंकड़े इतने नहीं हैं कि हम उनको संतोषजनक मान सकें या उनको अपनी उपलब्धि मान सकें। मैं मानता हूँ सामाजिक सौहार्द के मामले में योगी सरकार को यहाँ पर दंगा मुक्त बताया गया है, और जो कि बेहतर पहल भी है। पहल इसलिए है क्योंकि योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में बेहतर काम किया और इस कार्यकाल में लगातार सक्रियता के साथ काम करती नजर आ रही है। पर केवल माफिया तक, पर केवल अवैध निर्माण करने वालों तक, केवल गुंडा आतंकियों तक अगर हम कार्रवाई करते रहेंगे, पर एक बात स्पष्ट है कि महिला अपराधों में अगर कमी लानी है तो निश्चित रूप से महिला अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा कि लोग महिला अपराध ना करें, लोग बाल अपराधों में संलिप्त ना हों। और जिस तरह से लगातार अगर, और ये चीज़ें जो आंकड़े आ रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं
कि लोगों के बीच कानून का भय खत्म हो चुका है। कानून का भय बनाने के लिए ये जिम्मेदारी कानून को उठानी पड़ी। जब त्वरित न्याय देंगे, जब त्वरित कार्रवाई करेंगे और जब हम दंडात्मक नीति को अपनी बेहतर करते कर नजर आएंगे, तभी हम मान सकते हैं कि जो महिला अपराध है, बाल अपराध है, पास्को एक्ट है, इन तमाम जो अपराध है इनमें कमी होती नजर आएगी। इसके लिए हमारे देश का कानून के साथ साथ हमारे देश के जो प्रशासन है, पुलिस है, उसको भी बेहतर पहल करनी पड़ेगी। आंकड़े कई तरह के आते हैं, आंकड़ों में तमाम दृष्टिकोण भी रहता है, आरोप प्रत्यारोप भी रहते हैं, विपक्ष का आरोप अलग है। पर यहाँ पर जो मैं अगर आप जानकारी के हिसाब से देखें तो ये बात सब जानते हैं कि बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टें तो दर्ज नहीं होती हैं और वो अपराध रिपोर्ट से बाहर हो जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि चीज़ें क्या रहीं और कौन सा अपराध कहाँ हुआ, क्योंकि ना उसकी FIR की गई और ना जब FIR की जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो न्याय से वंचित रह जाते हैं और वंचित रह जाती है NCRB की रिपोर्ट भी, क्योंकि वो डाटा, वो डिटेल, वो परिचय, वो व्यवस्था NCRB के पास उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हम कोई व्यवस्था चला रहे हैं, अगर हम कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमको उन आंकड़ों पर भी दृष्टि डालनी होगी जिन पर केवल प्रार्थना पत्र गए और उन पर कोई FIR दर्ज तक नहीं हुई। और ऐसा देश भर में सभी जगह पर है। मैं एक राज्य को यहाँ पर निशाना नहीं बनाऊंगा, मैं एक राज्य में यहाँ पर बेहतर और कम का परिणाम के लिए नहीं व्याख्या करूंगा, पर यहाँ पर स्थिति बहुत जगह ऐसी ही है। हालांकि कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, पर स्थिति कहीं ना कहीं ये है। इससे ना NCRB मुंह मोड़ सकता है और ना वहाँ की सरकार मुंह मोड़ सकती है कि हाँ हमारे यहाँ सारे अपराध जो भी होते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और वहाँ पर न्याय दिया जाता है। पर जिस दिन स्थिति ऐसी बनेगी कि सारी प्रार्थना पत्र का विवेचना करने के बाद अगर उस पर FIR होगी और जो आरोपी थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो ये जो व्यवस्था है अपराध की वो धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब अपराधी को दंड मिलता है तो निश्चित रूप से एक ऐसी नज़ीर पेश होती है और वो नज़ीर पेश होती है आरोपितों के मन में, उनके मन में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमको भुगतना होगा। और योगी सरकार में इस तरह स्थिति यही है कि माफिया स्वयं जाके तख्ती लेकर थाने पहुंच जाके आप समय पर कर रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो योगी सरकार की जो व्यवस्था है वो हमको छोड़ेगी नहीं। पर कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के मामले सुनते हैं तो कहीं अगर बात करते हैं, अभी हाल में आपने देखा था हैदराबाद में एक गैंगरेप हुआ था, उसके चलते जब उनको पकड़ा गया था तो भागने के चलते उन लोगों का एनकाउंटर हो गया था और वो एनकाउंटर के बाद जो रुझान था वो रुझान ये था कि वहां की जनता ने उन पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए थे और वहां की जनता का ये कहना था कि हमें ऐसे ही न्याय की जरूरत है, अगर हम ऐसे न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों के मन में भय जागेगा। पर मैं आपको बता दूं कि अपराधियों के मन में भय उस स्तर तक नहीं जाग पाया जिसकी हम कल्पना करते हैं। अभी हाल में जिस तरह से झारखंड में एक लड़के द्वारा एक तरफा प्यार के कारण एक लड़की को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया और जब वो लड़का को जब पुलिस के सुपुर्द किया जाता है तो पुलिस को लेकर जाती है, लड़का हंसता हुआ नजर आता है, ये बात स्पष्ट करता है। हालांकि ये घटनाएं बहुत भीभत्स हैं और इनको करने वाले तो मानव कहलाने के योग्य नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि आंकड़े होते हैं, न्याय होता है, सजा होती है, पर कहीं ना कहीं अब भी हम उस व्यवस्था के लिए केवल और केवल सोच रहे हैं जो व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। कि जब तक आप अपराध के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक अपराध के प्रति आप न्याय देने को त्वरित व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप सभी अपराधों को पूरी तरह से रजिस्टर्ड करके उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये आंकड़े हमेशा 6-11-22% ही सीमित रह जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि देश में बेहतर हो, अगर हम चाहते हैं देश की राजधानी यानी दिल्ली जो भारत की जैसे बड़े लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है, वहाँ पर रेप के मामले में एक नंबर एक पर है, अगर वहाँ पर कमी चाहते हैं तो हमको व्यवस्था ऐसी रखनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई यानी वो भी इस तरह की जो शराब है रेप का नंबर दो पर आती है, अगर वो चाहते हैं कि वो भी इस व्यवस्था से अलग हो, वो भी इस तरह की जो रिपोर्ट है उसके दायरे में ना आए, वो भी रिपोर्ट में नंबर दो पर ना आए,
तो उसके लिए भी मुंबई में एक व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लगातार अपनी संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं, उसी संस्कृति का ह्रास करने का जिस तरह से लगातार हम अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं, और इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह की जो घटना है वो स्पष्ट करती हैं कि जहाँ जहाँ हमने अपनी सभ्यता को भूला है, जहाँ जहाँ हमने अपनी संस्कृति को भूला है, उसका परिणाम ये मिलता है कि कहीं ना कहीं घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा, हम अपनी संस्कृति के साथ रहेंगे, हम अपने नैतिक मूल्यों के साथ रहेंगे, अगर हम अपनी सभ्यता के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आएगी। और साथ ही साथ देश के तमाम सरकारों से मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि जो भी अपराध हो उसको कमी के लिए उसको रजिस्टर्ड भी किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई और दंड की ऐसी नजरी पेश की जाए जिससे अपराध में कमी केवल 11-6% या 22% ना होकर और आगे बढ़ाएं, तभी हम बेहतर कल की तरफ सोच सकते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो संकल्पना हम अपने मन में संजोए बैठे हैं वो पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश लगातार बेहतर काम करता चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश लगातार ऐसी मिसाल पेश की जा रही है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक ऐसा आधार साबित होगी जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। पर मेरा मानना यह है देश के बाकी राज्यों को भी उत्तर प्रदेश से नजीर लेना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के एक ऐसी प्रक्रिया को लागू करना जिससे कि अपराधी के मन में एक भय पैदा हो जाए कि अगर हमको अपराध करना है तो हमको ना उत्तर प्रदेश में करना होगा, ना राजस्थान, ना गुजरात, ना मुंबई, ना दिल्ली, हमको अपराध करना छोड़ना होगा या फिर छोड़ना होगी ये दुनिया, क्योंकि अपराध के लिए ना हमारे समाज में कोई जगह है, ना हमारे व्यवस्था में कोई जगह है और ना हमारे देश में कोई जगह है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।